हमने वृत्त पढ़ा था, तो जो तीन मेन आकार थे आपके, त्रिभुज, चतुर्भुज और वृत्त, वह तीनों हो चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज यानी कि उनके गुण हमने डिसाइड किए हैं, समझे हैं, ठीक है। अब जो हिस्सा बचता है वो बचता है परिमेय और क्षेत्रफल, यानी कि आपका एरिया और पेरीमीटर के इर्द गिर्द, तो अभी हम उस पर चर्चा करेंगे और फिर हम आयतन वगैरह पे चलेंगे, वो कल परसों की बात है, ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपको आपके बगीचे में बाउंड्री वॉल खड़ी करनी है, तो आप क्या निकालेंगे इन दोनों में से? मैं अगर आपको कहूं आपको आपका बगीचा, ये आपका बगीचा है, ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको इसमें जाली लगवानी है कि बाहर से कोई आ नहीं पाए, तो जाली आप कहां लगाएंगे? अंदर की, यहाँ बाउंड्री पे, बाउंड्री पे। तो इसे ही हम क्या कहते हैं? पेरीमीटर। यानी कि आपका क्या आ गया? परिमेय, ठीक है। पर से पेरीमीटर, पर से परिमेय, बात सही है। और मैं बोलूं कि आपको अब पूरे बगीचे में फूल ही फूल डालने हैं, तो आप फूल इधर डालेंगे कि अंदर डालेंगे? अंदर डालेंगे। यानी कि यहाँ पे आप क्या आप काम कर रहे हैं? एरिया, क्षेत्रफल। तो हमेशा बस ध्यान यही देना है हमें कि जो अंदर की जगह होती है उसे हम एरिया कहते हैं, और जो बाहर की बाउंड्री रहती है उसे हम परिमेय यानी कि पेरीमीटर कहते हैं। अब हर एक आकृति का अलग परिमेय या पेरीमीटर आएगा और क्षेत्रफल भी बदलते जाएगा, तो किसका क्या हो सकता है वो एक बार हम देखेंगे। ये टेबल आप साथ ही साथ लिखते जाएंगे, जहां आपको नहीं विजिबल होगा मैं आपको बताते जाऊंगा, ये आप सब ड्रॉ करेंगे। ठीक है, पहला लिखा है ट्राइंगल के लिए यानी कि त्रिभुज के लिए, ठीक है। सबसे आसान होता है त्रिभुज में, दो या तीन प्रकार से कहते हैं, ये सारे आप लिखिए, मैं सबको आपको एक एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा। ये सारी आकृतियों के साथ ही बनाइएगा तो आपको पढ़ने के समय बहुत आसानी। ये दिख रहा है ना मैडम वहां तक? जो हिस्सा नहीं दिख रहा होगा आप बताइएगा। वो नीचे वाला रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर, ये जो नीचे लिखा होगा ना, ये रूट थ्री बाय फोर ए स्क्वायर।
ठीक है, इसमें से ईमानदारी से अपने को कौन से पता थे अभी तक? कि सारे ही पता थे? नीतू मैम आप बताओ। ठीक है, आपको मूल तरीके से दो ही याद रखने, उसके बाद कुछ याद नहीं रखना। सबसे पहला, किसी भी त्रिभुज का आपको जब क्षेत्रफल निकालना है, कोई भी त्रिभुज हो, ये आपका समझो ये समबाहु हो, विषमबाहु हो या समद्विबाहु, तीन प्रकार के दिखेंगे भुजाओं के आधार पर आपको, यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो या आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या आपका स्केलिन ट्रायंगल हो, ठीक। इन तीनों में ही जो चीज लागू होगी वो हमेशा ये जरूर हो, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक, यहाँ पे ये एस क्या दर्शाता है? हाँ जी मैम, ठीक है, यहाँ पे वो एक पन्ना लिखवाया होगा मैम, तो वो आप बाद में लिख लीजिएगा। कल ये वाला पीडीएफ नहीं मिला होगा ना आप लोग को, डलवा दे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एस क्या दर्शाता है? आपने लिखा है क्या कॉपी में? अरे यार सुबह सुबह मेरे को पहले मालूम, छात्रों ने बोला सुबह सुबह क्लास रखाओ, फिर बोले उसमें भी नींद आएगा ही तो काम नहीं चलेगा, ऐसा है ना मैडम? तो वो एस क्या दर्शाता है, किसी ने देखा था? समझो अगर आपका परिमेय जो है उसका जो आधा होता है उसको हम क्या कहते हैं? एस। आपके परिमेय के आधे को क्या कहते हैं? हम एस। अब परिमेय कायदे से होगा क्या, पहले तो आप वो समझ लीजिए। तीन भुजाएं हैं, तीनों में मान के चल रहा हूं कि हमारी किस्मत इतनी खराब है कि अलग अलग ही है, ए बी और सी। तो परिमेय क्या हुआ आपकी पूरी, ये पेरिफेरी यानी कि आपकी बाउंड्री। तो ए प्लस बी प्लस सी आपका क्या हुआ? परिमेय। ये क्या हुआ आपका? परिमेय। इसको जब आप आधा कर दोगे तो वो क्या मिलेगा आपको? एस के बराबर। वो क्या मिलेगा अब आपको? एस के बराबर। अब जब एक बार आपका एस आ चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे अब आपको एस पता है, आप एस डालेंगे। एस के लिए आपको बस तीन भुजाएं पता रहनी चाहिए, एस के लिए आपको तीन भुजाएं पता रहनी चाहिए। अब वो आपको पता था, आपने एस निकाल लिया, अब आपको एस पता है, ए आपको पता है, बी पता है, सी पता है, इनका अंतर अब आप निकाल सकते हैं। ठीक बात है, यहां से तो हमेशा भले ये इक्विलेटरल हो यानी कि समबाहु हो, आइसोसेलेस हो, समद्विबाहु हो या स्केलिन हो यानी कि विषमबाहु हो, सभी प्रकार के यहाँ पे बन जाएंगे। पर ये कब हमें इस्तेमाल करना है? जब हमें तीनों भुजाएं पता हो, तीनों भुजाएं हमें जब पता हो। कई बार वो हमसे इतनी मेहनत करवाना ही नहीं चाहता है, खास करके व्यापम में तो नहीं करवाना चाहता है बहुत ज्यादा मेहनत, तो वो आपको सीधे साफ तौर पे एक बात बहुत स्पष्ट लिख के दे देगा। लंबवत क्या होता है? परपेंडिकुलर। 90 डिग्री तो ठीक है मैम, मैं तो एक ट्राइंगल के अंदर 25 90 डिग्री बन जाएंगे, पर 90 डिग्री का अर्थ क्या हुआ यहां पर? हाइट को क्या बोलते हैं? हाइट को ऊंचाई बोलते हैं। और ये ऊंचाई क्यों कहलाई? इसी को हमने ऊंचाई क्यों कहा? ये भी तो लंबवत है, इसको हमने क्यों नहीं ऊंचाई कहा? आप समझिएगा, मैं यहां पे कुछ एक ये आपने बोला ये परपेंडिकुलर है, ये हाइट है, मैं बोल रहा हूं ये क्यों नहीं हाइट हो सकती दूसरी वाली की? हो सकती है वो भी कि नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? सॉरी, हाँ मैम, वन पार्ट्स में डिवाइड है। नहीं, जैसी ये सीधी एक रेखा है वैसी ये भी बेचारी एक सीधी रेखा ही है, इसी भुजा पे रही है वो, फिर क्यों हम इसको नहीं मायने दे रहे, उसी को क्यों मायने दे रहे? आप मेरे को बताइए, इस रूम की आप जब ऊंचाई निकालेंगे, मैं बोलूं उससे एग्जॉस्ट से नीचे गिन लीजिए, वो ऊंचाई मान्य रहेगी कि ऊपर से ही लेंगे तभी मान्य रहेगी? ऊपर से ही लेंगे, क्योंकि ये इस कमरे का सबसे ऊपर का हिस्सा है और वहां से हम नीचे के हिस्से को जोड़ रहे हैं एक लंबवत के समान। ठीक है, यानी कि ये इस भुजा का सबसे, इस त्रिभुज का सबसे ऊपर का हिस्सा हुआ, ये भुजा जो, ये शीर्ष कहोगे इसको आप इंग्लिश में वर्टाइज कहते हैं, और ये भुजा जो हुई सबसे निचली हिस्सी हुई। ठीक है, तो इनके बीच की ही हमेशा आपको लंबवत दूरी पे मायने देने हैं हाइट के, क्योंकि मैं यहाँ खड़े हो जाऊं और आप बोलो नहीं 6 फीट ही रहेगी इसकी रूम की हाइट, तो वो गलत बात है, जो है 11-12 फीट वो उतनी ही रहेगी। ठीक है, तो इसे हमने क्यों नहीं कहा?
इसको भी नहीं कहेंगे, किसी को भी नहीं कहेंगे, किसी भी, अब आप समझिएगा क्या हम इसकी डेफिनेशन रखेंगे, किसी भी एक शीर्ष से, ये एक शीर्ष हो गया, किसी भी एक शीर्ष से यानी कि वर्टाइस से उसकी सामने वाली यानी कि उसकी अपोजिट, इसको कौन दिखेगा, ये भुजा दिखेगी, ये दिखेगी कि ये दिखेगी, ये सामने वाली दिखेगी, इस पे जब भी आप एक लंबवत डालोगे वो उस त्रिभुज के लिए एक हाइट का काम करेगी, क्या काम करेगी, हाइट, या आप बोल सकते हैं लंबवत, ठीक। अगर ये आपको दे दी गई है गलती से भी तो आप मानिएगा आपको जब भी एरिया निकालनी है वो हाफ बेस इंटू हाइट ही निकालनी है, हाफ बेस इंटू हाइट ही निकालनी है। अब बेस क्या होगा, हमेशा ये कई बच्चों को नहीं मालूम रहता, मतलब कई छात्रों को ये बात पता ही नहीं रहती कि बेस होता क्या। बेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं, आधार, ठीक है, यहां पे आधार कहलाया ये, यानी कि बेस वह चीज होती है जिस पे ये लंबवत आके बनता है, बेस वह भुजा होती है जिस पे ये लंबवत आके बनता है, ठीक है। तो आप हमेशा याद रखिएगा जब भी आप किसी को आधार बना रहे हैं तो ऊंचाई हमेशा उससे 90 डिग्री पे ही रहेगी। उदाहरण के तौर पे अगर मैं आपसे पूछूं कि सर तो फिर एक त्रिभुज में हमें क्या तीन ऊंचाई और तीन आधार दिखेंगे, तो अवश्य ये सही होगा। सबसे पहला आपको ये दिख गया, ये सभी को दिख रहा है, मैं जोड़ी जोड़ी में ही बना देता हूँ ना, फिर मैं कलर उस हिसाब से कर देता हूँ, ये सबसे पहला हो गया। मान लो किसी ने दुनिया को इस तरफ से देखा तो उसके लिए सबसे इस तरफ का कोना ये हुआ, इसको कौन सी मतलब भुजा दिखेगी, ये तो अब ये आधार हुआ और ये क्या हुआ उसका लंबवत, ठीक है। इसी तरीके से आप तीसरे शीर्ष को भी देखेंगे, तीसरा शीर्ष कौन सा हो गया, ये इसके सामने कौन है, ये वाली, इस तरीके से बात बनेगी। तो आपको हमेशा याद रखिएगा, बच्चा एकदम कैजुअल बोलता है सर नहीं ये दिया रहेगा तभी हम काम करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे, यही बेस है, ऐसा किसी ने नहीं बोला कि यही बेस है। इस त्रिभुज को मैं ऐसा टेढ़ा कर दूं तो ये बेस बन जाएगा, इसको मैं ऐसे घुमा दूं तो ये बेस बन जाएगा। तो आपको कभी भी एक रूढ़िवादी धारणा के साथ नहीं चल रहा कि ये है तो यही है, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल रहना है, फ्लेक्सिबल, ठीक है। तो जो भी आपको लंबवत दिया रहेगा और वो लंबवत जिस भुजा पे बन रहा होगा वो उसका आधार होगा, वो उसका आधार होगा, ये सीधी बात है। तो आपसे आप कोई भी पूछेगा कि भाई बताइए कितने हो सकते हैं, तो तीन तीन हो सकते हैं, तीन लंबवत होंगे तो तीन वैसी क्या बोलेंगे आपकी बेस यानी कि आपकी आधार बनेगी, और आधार और ऊंचाई में हमेशा क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो ये एक बार आप ड्रॉ करके रखिएगा, कभी भी अब आपको आधार दे दिया जाए या ऊंचाई दे दी जाए तो आप समझना कि हमें इस्तेमाल तो इसी चीज का करना है, इस्तेमाल तो इसी चीज का करना है। ड्रॉ कर लीजिए मैम, फिर ये लिखिएगा आप, थोड़ा सा लेट आए हो इसीलिए वो क्यों लिख रहे हैं हम, ये आप बाद में चर्चा करेंगे अपन, ठीक है। ये ठीक है, अगर आप लोगों ने ड्रॉ कर लिया तो एक फटाफट क्वेश्चन पूछूं, को ऐसा दे रखा है, ठीक है, ये 12 दे रखा है और इसका लंबवत यहां पे दे रखा है, इसको बोल रखा है उसने 8, ठीक है। आपको एक और इस शीर्ष से लंबवत दे रखा है, चलिए ये है 6, अब आपसे पूछ रहा है ये कितना होगा, यानी कि आपको AC का मान बताना है, आपको AC का मान बताना है। कोई भी ट्राई करेगा, एकाध का भी आ गया तो बढ़िया है। अभी बस जो पीछे 2 मिनट बात हुई है उसी के आधार पर एक क्वेश्चन है।
आ गया मनीषा मैम, जी मैम आपसे ही पूछ रहा हूँ आपसे। हाँ दस आ रहा है, नहीं दस नहीं आना चाहिए। चलिए आपने ट्राई किया, चलो एक बात समझते हैं। एसी बता रहे हैं ना मैम, ए बी तो हम वैसे भी नहीं ज्ञात कर पाएंगे। अब आप समझिए कि ज्ञात वो भी करा जा सकता है पर बहुत लंबा चला जाएगा वो मेथड, वो मैं पूछ नहीं रहा हूँ। अब आप समझिए इसको कोई भी छात्र अलग अलग नजरिए से देखेगा, पर दो ही नजरिए दिखेंगे। सबसे पहला नजरिया तो उसको ये दिखेगा कि भाई ये त्रिभुज तो एबीसी ही है, मानते हैं आप सब बात को, है तो ये एबीसी। अब उस एबीसी को कैसे देखेगा, बोलेगा साले को मैं बीसी को ही आधार मानता हूं तो मेरे लिए लंबाई क्या हो गई, ये इसको मैं डी बोल देता हूं, जो भी बोलना चाहे, जो आपको नाम अच्छा लगता है आप रख सकते हैं। तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि चल मेरे पास अब AD लंबाई भी है और BC बेस भी है, तो क्या इसका क्षेत्रफल वो ऐसा कुछ लिखेगा, हाफ इंटू आठ इंटू ये कितना दे रखा था 12। यहां तक बात ठीक है। अब मेरे जैसा एक अलग आदमी आ गया, टेढ़ा आदमी आ रहा है वहां पे, बोल रहा है अबे यार देखना मेरे को तो ये चीज से अच्छी ये दिख रही है। क्या दिख रही है, कि मैं इसको अब आधार मान लेता हूं क्योंकि यहां से भी तो एक लंबवत दिया हुआ है, ठीक है, तो उसके लिए ये क्या हो गई हाइट और ये क्या हो गया आधार। तो ये अब इसको कैसे देखेगा, हाफ इंटू ये कितना दे रखा था मैडम 6, ये मुझे मालूम नहीं था, पर दोनों है तो सेम त्रिभुज एबीसी, तो दोनों है तो सेम बगीचा, सेम बगीचा है तो सेम ही एरिया होगी, सेम बगीचा अगर है तो सेम ही एरिया होगी। भाई इसको तुम क्लास को या तो सामने से देखो या तुम क्लास को पीछे से देखो, क्लास का क्षेत्रफल बढ़ जाएगा घट जाएगा कि सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, ठीक। तो यहां पे ये दोनों बराबर होने चाहिए कि नहीं, अगर ये दोनों बराबर है आधे से आधा कट जाएगा और क्या है 8 12 96, इधर क्या है 6 इंटू एक्स, 6 में ऐसा क्या गुणा करोगे जो आपको 96 मिल जाए, 16, तो आपका ये आ गया 16। बात ठीक है, बस देखने का नजरिया। आप बताइए कहाँ अटक रहे हो सर, मैं फोर्थ ट्रायंगल, मतलब ये जो मैंने लंब हुआ 8, हाँ 12 का आधा हो गया 6, 12 का आधा हो गया ये 6, हाँ तो मैं वो कर्ण निकाल दी ना, कर्ण निकाल दी, हाँ एसी। देखिए मैडम आपको ये पता नहीं है, कर्ण अगर आप एसी निकालेंगे तो आपको ये त्रिभुज पकड़ना पड़ेगा एडीसी, इसमें क्या आपको डीसी पता है कितना है, मेरे को लगा वो पूरा 12 है उसका आधा। अच्छा ऐसी मान लोगे खुद से कि ये 12 है तो इसका आधा 6 होगा, इतनी आसान थोड़ी होती है मैडम गणित, वो कब होगी, वो एक समद्विबाहु में होती है, ठीक है, हर जगह नहीं होती है, ये हर जगह लागू नहीं है। मैंने आपको हमेशा कहा है, कल मैंने आपको एक प्रश्न दिखाया था ऐसा वाला कि ये क्या है, तो यहाँ पे कुछ लोग समलंब भी बोल रहे थे, अमूमन 90% जनता बोलेगी, पर जब तक मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि ये दोनों समांतर है हम कुछ बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ जब तक मैं आपको बताऊंगा ही नहीं कि ये आधा है, आधा अगर मुझे दिखाना है तो गणित में हम कैसे दिखाते हैं, छड़ी मार के। अब आपको पता चल गया कि ये आधा, वो आसान प्रश्न होता, मैं उतना आसान पूछ ही नहीं रहा हूं। मैंने आपसे कहा था जो अभी मैंने पढ़ाया मैं उसी के आधार पर क्वेश्चन पूछूंगा, तो अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी हमने यही पढ़ा था कि एक त्रिभुज के अंदर 3 ऊंचाई और उसी के सामने 3 आधार मिल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बना के आपसे प्रश्न पूछा, देखने वाला इसको सामने से भी देख सकता है, देखने वाला इसको यहां से भी देख सकता है, उसको दोनों नजरिए से वही बगीचा दिखेगा, बगीचे का क्षेत्रफल उतना ही। तो आप ध्यान में रखिएगा ऐसा एक प्रश्न पूछ सकता है, घबराइएगा मत। और सबसे आसान प्रश्न यहाँ पे ये पूछा जा सकता था कि क्षेत्रफल क्या है, तो क्षेत्रफल तो सबसे आसान था, 8 12 96 का आधा कर दीजिए, यानी कि हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब कोई भी बेस इंटू हाइट आप पकड़ लीजिए, 12 और 8 दिया है तो इसी को पकड़ना सबसे उचित रहता, तो 96 का आधा आप कर ले रहे 48।
इस तरीके से बात तब बनती। ठीक है, ये मेन चीज है, इसको आप समझ गए तो फिर ये प्रश्न आराम से हो जाएगा। हाँ बताइए बताइए। हाँ अलग ही रहेगा मैम, संभवों में सब सेम रहता है मैडम, उस पे आएंगे अभी हम। ठीक है, या तो एक काम ये करा जा सकता था कि साले को ये पकड़ा दो, फटाफट लिख लो, ये भी लिख लो और फिर अपन आ गए क्वेश्चन पे। क्योंकि अगर आप देखोगे आज मैंने सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन लाए हैं, पर मेरा वो मकसद है ही नहीं, क्वेश्चन तो आप लोग भी बना लोगे। ये चीजें समझनी जरूरी है क्योंकि इसके इर्द गिर्द प्रश्न बनते हैं, और सिर्फ हॉस्टल वार्डन ही नहीं देना है अपने को, अपने को तैयारी अच्छी ही रखें तो बेहतर। चलिए आगे बढ़े इसमें। अब देखिए होता क्या है, कायदे से जब एक समबाहु आ जाता है तो इसका मतलब ये ए है तो ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, हाँ या ना, तीनों ए हो जाएंगे, है ना। यही तो समबाहु की बात है ना कि सारे बाहु सेम, सारी भुजाएं सेम। तो इसमें जब भी आप इसको यूज करेंगे, आपका एस कितना आएगा, ए प्लस ए प्लस ए बटे दो, तो एस कितना हो गया, थ्री ए बटे दो, हाँ या ना। आपको मालूम है मैंने आपको क्या कहा, एरिया कोई भी त्रिभुज की भले वो इक्विलेटरल हो, स्केलिन हो, आइसोसेलेस हो, आपको हमेशा ये चीज तो बचा के ही देगी, s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब मैं तुरंत आपको बस एक मिनट दे रहा हूं, आप इसमें s की जगह अब डालेंगे 3a बाय 2, आपको पता है a का मान a के बराबर ही, और सारे जो भुजाएं हैं अब वो कितनी हैं, इसको अब आप निकालेंगे फटाफट। बस मुझे बताइए कि ये जो हम लिख रहे हैं अब वो सही लिख रहे हैं कि नहीं, वो मत निकालिए मत, वो चलो मैं ही आपको निकाल के दे देता हूँ, बहुत ज्यादा समय हम जाया नहीं करेंगे। ऐसा आपका कितना आया, तीनों भुजाओं का जोड़ परिमेय का आधा, यानी कि 3a बटे 2। ठीक है, आपने यहाँ पे क्या डाल दिया, 3a बटे 2 डाल दिया, कहाँ, एस की जगह। ठीक है, तो एस की जगह तो 3a बटे 2 आ गया, एस माइनस ए है यानी कि 3a बटे 2 माइनस ए, बी सी सब कुछ सेम है ना यहाँ पे, तो सारी भुजाएं ही सेम है क्योंकि ये क्या है, समबाहु है, ये क्या है, समबाहु है यानी कि इक्विलेटरल है। ठीक है, तो 3a बटे 2 में से a चला गया तो कितना बचा, आधा a, बाहर एक 3a बटे 2 तो है ही, यहाँ क्या बचा, आधा a, फिर यहाँ क्या बचा, आधा a, और फिर यहाँ क्या बचेगा, आधा a। ठीक, दो दो जो दो है यहाँ पे वर्गमूल के अंदर चार बार है तो दो बार बाहर आ जाएंगे। ठीक है, या तो आप उसको ऐसे समझिए, ये दो चौके कितने हैं, 16, 16 का बाहर कितना आएगा वर्गमूल, 4, बटे में ही आएगा ना, अंदर बटे में है तो 3 अकेला है बेचारा तो रूट ही रह जाएगा। ए कितनी बार है, 4 बार, तो 2 बार बाहर आएगा, तो देखने वाला इसको कैसे देखता है, रूट 3 तो बेचारा अंदर फंस गया, नीचे 4 है और एक ए स्क्वायर, यही चीज वहां पे लिखी हुई होगी, पर किताबें ये सब नहीं बताएगी आपको कभी भी, वहां पे लिखिए रूट 3/4 ए स्क्वायर, ये वो लगा है ऐसा। ठीक है, इसको ये मत मान लीजिएगा 2 × हो रहा है, क्योंकि 2 × होता तो वो इसको काट नहीं दिया रहता। ठीक है, तो वो रूट 3/4 ए स्क्वायर इस तरीके से आता है। ठीक है, अब आपको समझने वाली बात यहां पर यह है कि ये पेपर में हमें इतना समय नहीं मिलेगा कि पूछ लिया तो ये कलाकारी करेगी, ये तो आपकी समझ के लिए मैंने बताया कि फंसो मत, तो आपको पता रहना चाहिए कैसे निकाला गया, पर आपका अभ्यास इतना होना चाहिए कि ये जैसे ही कोई बोले तो आपको तुरंत ध्यान में आ जाए। अब वहां पे हो क्या रहा था आप समझिए, जब भी हमने सबसे खराब में खराब वहां पे त्रिभुज देखा था जहां पे ए बी सी तीनों अलग अलग थे। ठीक है, तीनों अगर अलग अलग होंगे तो आप समझिएगा तीनों से बनता हुआ लंबवत भी अलग अलग ही होगा, पर जब अगर तीनों समान हो जाएंगे तो तीनों में लंबवत भी समान हो जाएगा। कोई आपसे पूछ ले इसका लंबवत कितना आएगा, ऐसा कुछ होगा लंबवत, ये वाला मैडम जैसे आप सोच रहे थे ना, बिल्कुल दो समान भागों में इसे बांटेगा, ये a बाय टू ए बाय टू हो जाएगा। ठीक, कोई बताएगा ये कितना रहेगा कोण,
अबे कैसे हो बे, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये 60 होता है, तो पढ़े हैं अपन। समकोण त्रिभुज में कितना होता है कोण? 60 होता है। ये सब पता रहना चाहिए एकदम मुंह जबानी। ये 60, ये 30 हो गया होगा, ये आपका 90, ठीक है। अब यहाँ पे आप पाइथागोरस लगा सकते हो मैडम निकालने के लिए, ठीक है। ये आपको निकालना है h, तो आपको अब पता है क्या, h स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि a बाय 2 का होल स्क्वायर ही लिख रहा हूँ, बराबर लंबवत, ए माफ करिएगा कर्ण, ठीक है। अब आप h स्क्वायर को इधर ही रहने दीजिए, ठीक है। इस ए स्क्वायर 4 को उधर लेके जाइए, तो ए स्क्वायर में से ए स्क्वायर बाय 4 चला जाएगा, तो 3 ए स्क्वायर बाय 4 बचेगा। यस, अब h किसके बराबर हुआ? जब आप यहाँ पे वर्गमूल डालेंगे 4 के बाहर, तो 2 आ जाएगा नीचे, 3 फिर बेचारा बच गया √3, ए स्क्वायर के कारण ए आएगा। तो आपसे कभी भी कोई पूछे कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज में, समकोण बोल रहा हूँ माफ करिएगा, समबाहु त्रिभुज में हाइट कितनी होती है, तो √3 ए बाय 2 होती है, ठीक है। और ये सब का कोई फॉर्मूला होंगे भी मैं नहीं लिखवाना चाह रहा, आप खुद ब खुद निकाल सकते हैं, मैं बस तरीका आपको बता रहा हूँ। सारा कुछ ये सब जितनी भी हाइट होंगी सेम होंगी, ध्यान में रखिएगा इसको, जितनी भी हाइट होंगी सब सेम होगी, और यहाँ पे हाइट आपकी बनेगी √3a/2, ठीक है। और जिसको ये नहीं समझने आ रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा इसको तवज्जो देनी भी नहीं है, ठीक है, ये आपके बहुत ज्यादा काम की चर्चा है नहीं, ये बस बताया जा रहा है कि आ कैसे रही है कोई चीज जो आप अपने कॉपी में लिख रहे हैं। क्योंकि पूछने उसको आपसे दो सवाल ही है त्रिभुज के, ठीक है, एक आपसे कोण के आधार पर पूछेगा जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं 2 या 3 सेशन पहले, एक बुझाए वाला पूछेगा आपसे, तो ये सारी चीजें पूछना कम, ठीक है। अब एक आप देखिए आखिरी त्रिभुज जो हम समझ सकते हैं क्या होगा, ये सबसे आसान होता है समकोण, ये सबसे आसान होता है समकोण, ठीक है। आप देखिए कि लंबाई और आधार का हमारा जो डेफिनेशन था वो क्या था, लंबाई हम किसे कहते हैं, किसी भी शीर्ष से उसके सामने वाली भुजा पे अगर हमने 90 डाल दिया तो वो लंबाई कहलाए। मुझे बताइएगा इसमें 3 शीर्ष है कौन से कौन से, एक तो ये है, एक ये है, एक ये है, इस शीर्ष से सामने वाली भुजा कौन सी है, नीचे, तो इस पे 90 डाल दिया, यानी कि ये जो भुजा है खुद ब खुद लंबाई ही है। अभी तक जो भी भुजाएं थी वो कभी लंबाई नहीं थी, है ना, आपने अगर देखा होगा भुजाएं इस तरीके से चल रही थी, लंबाई आपको हमेशा अंदर की तरफ मिल रही थी, राइट। इससे पहले वाले उदाहरण में भी आपने अगर देखा हो, बाहर भुजाएं चल रही थी, लंबाई आपको हमेशा अंदर मिल रही थी, पर ये इतना खूबसूरत त्रिभुज होता है कि यहाँ पे लंबाई आपको भुजा में ही मिल जाती, ठीक है। तो ये आपकी क्या होगी, लंबाई, और ये क्या हो गया आपका, आधा। क्या ये पूरा सच है कि आधा सच है? कभी भी कोई पूरा सच नहीं होता मैडम, देखिए यहाँ पे फिर से एक, हम हमेशा याद रखिएगा कि एक तिरछा आदमी आके इसमें सवाल पूछेगा, क्या पूछेगा, सर आपने तो ऐसे देख लिया, मैं तो इसको घुमा के देख रहा हूँ, वो पता नहीं क्यों घुमा के देख रहा है, तो उसका भी कहना सही है कि सर मैंने तो इस शीर्ष को मान लिया, इस शीर्ष से इस शीर्ष के लिए सामने वाली भुजा कौन सी हुई है, और वो बोलेगा देखो मैंने तो लंबवत डाला हुआ है, 90 बनाया हुआ है, तो इसको भी आप ऊंचाई कह सकते हैं, और फिर ये आधार बन जाएगी, दोनों एक दूसरे का काम यहाँ पे कर सकती है, दोनों एक दूसरे का काम यहाँ पे कर सकती है। अब बच्चा बोलता है सर कैसे, अब मान लो अगर ये 6 है, ये 8 है, तो आपका क्षेत्रफल क्या हुआ, हाफ 6/8 ही तो हुआ, है ना, अगर आपने इसको ऊंचाई मान लिया और इसको बेस मान लिया, ठीक है, कितना आया 8/6 = 48/2 = 24, ठीक है, बात कुछ नहीं बिगड़ी। आप इस तरफ से देखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, आप इंटू आर्ट इंटू से, बताओ कुछ बिगड़ा कि वही रहा, वही रहा, ठीक है। तो बहुत साधारण साधारण बातें, बस सोचने के आपके नजरिए थोड़े से बदल जाएंगे जब ये सारी चीजें आप समझेंगे कि ऐसे भी देखी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि देखिए कोई आपसे प्रश्न पूछे ना पूछे, आपसे कल इंटरव्यू में कोई पूछ दे, कहीं कोई बोल दे कि यार ये चीज समकोण त्रिभुज में यही लंबाई होगी कि इसको भी कह सकते हैं, इसको भी कह सकते हैं, क्योंकि आप सोचो ना इसको ऐसे पलट दोगे तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, ये
क्यों नहीं कह सकते हम इसको अब ऊंचाई, और क्यों नहीं कहेंगे हम इसको आधार, सिर्फ देखने का आपका नजरिया है, ठीक है। तो जब भी आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं ना, देखिए अंदर कितने त्रिभुज है, पहचानिए, तो वो क्या देखना चाह रहा है, उसको ये नहीं पड़ी है कि आप गिन पा रहे हो कि नहीं, वो बस देखना चाह रहा है आप कितने नजरिए से वो ड्रॉइंग को देख रहे हो, राइट। तो नजरिया ही अपने को पकड़ना है और कुछ नहीं है, इसके आधार पर और कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेगा। मेरा बोलने का मतलब है कि हमें अब ये सारी चीजें खुद ब खुद यूज करने आनी चाहिए, हमें आधार पहचानने आना चाहिए, हमें लंबाई पहचानने आनी चाहिए, आधार और लंबाई के बीच में हमेशा 90 डिग्री आपको खड़ा हुआ मिलेगा, ठीक। ये सबसे आसान चीज है, इस पर मैं बहुत ज्यादा चर्चा करूंगा नहीं, ये आप लिख सकते हैं रेक्टेंगल और स्क्वायर। रेक्टेंगल को हम क्या कहते हैं, आयत, वर्ग, ठीक है। दोनों ही आपके समांतर चतुर्भुज के हिस्से हैं, ठीक है। इस पे हमने पहले भी चर्चा की है कि ये ऐसा ही क्यों दिख रहा है, क्योंकि ए अगर ये है समांतर में, ये भी फिर सेम होगा, ए होगा, ये बी है, तो इसके विपरीत जो इसके सामने खड़ा होगा वो भी सेम होगा। तो दो बार ए गिना जाता है और दो बार बी गिना जाता है, ये कब गिनाता है, परिमेय के, ठीक है। और यहाँ पे तो सभी सेम है, तो ए ए ए ए चार बार गिना जाते हैं, इसीलिए ऐसा दिखता है, ठीक है। और कभी भी आप याद रखिएगा, कभी भी किसी भी समांतर चतुर्भुज में, ठीक है, आपका जो एरिया होता है, आपका जो क्षेत्रफल होता है, वो भी वही होता है, बेस इनटू हाइट, बेस इनटू हाइट। यानी कि अर्थात जब मैं आपको समांतर चतुर्भुज पढ़ा रहा था, तो शायद मनीषा मैम आप थे क्लास में, मैंने एक आपको क्वेश्चन भी कराया था पीछे वाला, जो पेपर में एक बार पूछा हुआ था, ऐसा याद है आपको कि इसका जो क्षेत्रफल होता है इसके वनस्पत आधा होता है, ये पूछा हुआ है आपके हॉस्टल वार्डन, ठीक। तो उसी के आधार पर आप यहाँ पे ये कह सकते हैं कि जैसे चतुर्भुज का आएगा आपका बेस इनटू हाइट समांतर चतुर्भुज का, वहीं एक त्रिभुज का क्या आता है, हाफ। इसीलिए आप समझ पा रहे होंगे कि हम हाफ क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो त्रिभुज में हाफ हो जाता है, परंतु जब भी पैरेललोग्राम यानी कि आप समांतर चतुर्भुज में देखेंगे तो सिर्फ बेस इनटू हाइट होता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इस पे अपन ने चर्चा की हुई, ठीक है। अब आप सोचिए, अगर ये समांतर चतुर्भुज है, अगर मैंने इसको मान लिया बेस, ठीक है, इसको मैंने मान लिया बेस, ये हो गया ए की तरह, तो इसके लिए हाइट क्या होगी, ऐसी एक चीज जो इसके सामने वाले शीर्ष से इस पे 90 बनाए, तो आयत में तो कितनी खूबसूरत चीज है कि यही शीर्ष आके यहाँ 90 बना रहा है, चाहे तो आप इस शीर्ष को भी देख सकते हैं, दोनों का मान है क्या, बी तो है, तो आपके लिए एरिया क्या हो गई, बेस इनटू हाइट यानी कि बी इनटू ए, इसीलिए आपको बी ए या ए बी दिख जाती है। यहाँ पे तो और ज्यादा खूबसूरत है, ये भी ए है, ये 90 डिग्री है, ये भी ए है, तो हाइट और बेस आपकी सेम है, ए इनटू ए, इसीलिए आपको कई बार ए स्क्वायर यानी कि साइड स्क्वायर भी लिखा मिलता है। सब चीज एक ही दो जगह से आ रही है ज्योमेट्री में, बस वो कनेक्शन अपने को बैठाने, ठीक है, ये आपने लिख लिया होगा, इसको भी लिख लीजिए फटाफट। आपसे इसके इर्द गिर्द एक प्रश्न पूछ सकता है, ऐसा लग रहा है, पता नहीं, रोम्बस समचतुर्भुज, ठीक है, इसको फटाफट लिखिए, ये देखिए पैरेललोग्राम,
ठीक है, रोम्बस में आप ध्यान दीजिएगा, हाफ डी वन डी टू होता है, यानी कि डायगोनल जो भी रहेंगी इसकी, और जब भी हम सम चतुर्भुज की पढ़ाई कर रहे थे तब मैंने आपको लिखाया था कि इनकी दोनों जो डायगोनल विकर्ण होते हैं दोनों अलग अलग होते हैं, परंतु जब भी ये दोनों काटते हैं एक दूसरे को तो 90 डिग्री के साथ काटते हैं, और क्या करते हैं, और क्या करते हैं मनीषा मैम, एक दूसरे को सेम भाग में बांटते, एक दूसरे को सेम भाग में बांटते, ठीक है। ये सब रिवीजन करते रहिए, नहीं तो यही प्रश्न आपसे पूछ लेगा और आप बता नहीं पाएंगे कोई भी वहां पे, बहुत आसान आसान चीज है, ठीक है। अब मैंने ऐसे छड़ी मार दी है तो आपको समझना है कि यहां पे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, ठीक है। तो अगर आप लोग का छूटा होगा ना चतुर्भुज वाला सेशन तो वो जरूर देखिएगा, उसमें बहुत ज्यादा गुण की चर्चा की है, बहुत छोटे छोटे गुणों की चर्चा की है, वो भी एक्सप्लेनेशन के साथ कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम उस पर ज्यादा समय खर्च नहीं करेंगे। ट्रपीजियम का यानी कि ये आपका हो गया समलंब, इसमें भी हाइट क्या होगी, कोई भी ये शीर्ष पकड़िए या ये शीर्ष पकड़िए, ठीक है, आपको देखना है कि इसके सामने वाली भुजा पे एक हमें 90 बनाना है, तो ऐसे बनेगा, यहाँ से भी बनेंगे तो वैसे ही बनेगा। अब दोनों क्योंकि समांतर ही रेखाएं हैं तो उनके बीच की दूरी हमेशा समान होगी, तो ये एच है तो ये भी एच ही है, ठीक है। अब ये एच ले रहे हैं तो आधार आपको इसको ए को ही लेना पड़ेगा, उस आधार पर ये चीजें बनती है। अब आते हैं क्वेश्चंस करते, ठीक है, ये भी आपके पेपर का प्रश्न है, चेक करेंगे एक बार इसको। रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनियस, बेस यानी कि आपका आधार, हाइपोटेनियस यानी कि मैडम हाइपोटेनियस नहीं होती ऊंचाई दोस्त, ऊंचाई को हम हाइट कहते हैं, हाइपोटेनियस होता है आपका कर्ण। छोटी छोटी बातें ये पता रहना चाहिए, अपन इंग्लिश ही पढ़ रहे हैं ना 10:30 के बाद, ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको पता रहनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे चलो मैं हिंदी में एक बार बता रहा हूँ, आपको अनुपात दिया है आधार और कर्ण का किसी भी एक समकोण त्रिभुज में जो कि 4/5 का है, ठीक है, और उसका परिमेय जो है 48 दे रखा है, तो आपको यह बताना है कि बताइए उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। अभी मैंने कुछ कुछ मिटा रहा है, पर कोई अगर बहुत शाना बच्चा है तो वो देख लिया होगा तो उसका बन जाएगा तुरंत, शाना होना भी चाहिए हमको बहुत। ठीक है, त्रिभुज में हमने बहुत बखूबी इस पे चर्चा की है कि अगर कोई अधिक कोण है, अगर कोई समकोण है, अगर कोई न्यून कोण है, तो उनकी भुजाओं के बीच में क्या संबंध होता है।
आप मुझे बताइएगा अगर ये 4:5 में है, ठीक है, अगर आपका बेस और हाइपोटेनियस 4:5 में है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी 4x होगी और इसकी 5x होगी। ये बात क्लियर यहाँ तक स्पष्ट है? अब आप सभी को बताया हुआ है कि समकोण त्रिभुज में जब हम त्रिभुज पढ़ रहे थे तब आपको बताया था कि ये जो हाइपोटेनियस है यानी जो कर्ण है इसका वर्ग बराबर बाकी दोनों जो भी भुजाएं हैं उनके वर्गों का योग, ठीक है, तो ये कितना है 4x2 बराबर b2 प्लस ये ऊंचाई स्क्वायर। अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि h आपको दे रखा है क्या, बिल्कुल दे रखा है, कितना दे रखा है 5x, तो 5x का स्क्वायर बराबर 4x का स्क्वायर प्लस एक चीज जो आपको निकालनी है, ये 25x² हो गया, बस देखते जाइए अब यहाँ पे बन जाएगा, ये 16x² है, 25 में से 16 चला जाएगा तो मैडम कितना बचेगा 9, तो 9x² बराबर ये ऊंचाई, तो वो ऊंचाई आएगी कितनी 3x, क्योंकि 9 का वर्गमूल क्या आएगा 3 और x स्क्वायर का x, तो ऊंचाई आपकी जो आएगी वह आएगी कितनी 3x। अब आपके लिए बहुत आसान हो गया था प्रश्न, क्यों आप समझिए, ये आपका 3x है, यहाँ पे बहुत वो हो रहा है हॉचपॉच, ये आपका 3x है, ये आपका 4x था और ये आपका 5x है, इसका परिमेय क्या होगा 4, 5, 9, 3, 12x, यही होगा परिमेय, और परिमेय दिया हुआ था मेरे ख्याल से 48, तो ये तो बहुत आसान हो गया, 12x 48 है, तो x कितना हुआ मैडम 4, तो ये कितना हुआ 3 × 12 और ये 4 × 16। अब आपको जिसको ऊंचाई माननी है ऊंचाई मानिए, जिसको आधार मानना है आधार मानिए, आपका क्षेत्रफल क्या आएगा 1/2 × 12 × 16, यहां से भी निकालेंगे तो वही आएगा 1/2 × 16 × 12, बात तो एक बराबर ही है, दोनों से आपका वही उत्तर आने वाला है, आप निकाल लीजिए 12, 8, 96, 96, ठीक है, ठीक है क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो वही त्रिभुज में जो हमने पढ़ा था। अब न्यून कोण में क्या होता है, सबसे बड़ी जो भी भुजा होती है उसका वर्ग किसके बराबर होता है, या छोटा होता है या बड़ा होता है न्यून कोण में, ठीक है, इसीलिए बोल रहा हूं आप रिवाइज करते जाओ, फंसोगे नहीं तो यही सब बहुत इजी इजी क्वेश्चन में। सबसे पहले तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा कि आपके लिए ऐसे तीन ही कोण बन पाएंगे, या तो बराबर 90, या तो अधिक 90 से, अधिक कोण कह दिए इसको हमने, ठीक है, या 90 से छोटा, 90 से छोटा, हर जगह आप वही लिख के बैठिए कि सबसे बड़ी भुजा आपकी मान लीजिए सी, आप लिख लीजिए a²b², सबसे बड़ी भुजा यहां पे भी आप मान लीजिए कि सी a²b², जहां आपको बराबर 90 मिला वहां तो आप बराबर ही डालेंगे, जहां आपको कोण 90 से अधिक मिला तो अब ये भुजा भी जितना बड़ा कोण उतनी बड़ी भुजा, अब ये कोण बड़ा हो गया तो ये भुजा भी बड़ी हो जाएगी, तो इसका वर्ग भी बड़ा हो जाएगा, कोण 90 से छोटा हो गया यानी कि भुजा भी अब थोड़ी छोटी हो जाएगी, इसीलिए इसका वर्ग भी थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो आपको रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही सीधी साफ बात है, इसके आधार पर एक प्रश्न पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले भी लिखाया हुआ, ठीक है, इसी के आधार पर हम हमेशा देखते हैं कि कभी भी एक समकोण त्रिभुज में ये 90 है तो इनकी तो कोई औकात ही नहीं है 90 के आसपास आने की, तो ये 90 है तो इसके सामने वाली भुजा यही सबसे बड़ी होगी जिंदगी में, इसीलिए हम इसको कर्ण कहते हैं, सबसे बड़े भाई को, ठीक है, तो यही हम लिखते हैं कि कर्ण का वर्ग बराबर बाकी दोनों भुजाओं के वर्ग के योगफल के बराबर, ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं छोटी छोटी, आप पढ़ते हुए जाएंगे तो आपको अच्छी लगेगी, गणित खराब नहीं लगेगी। किसी वृत्त की त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और उसके एक जीवा की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, तो उस जीवा की केंद्र से दूरी होगी,
आप सोच रहे हो कि सर क्षेत्रफल में हम ये क्यों पढ़ रहे हैं, पर ये पढ़ना जरूरी है क्योंकि कल इसके इर्द गिर्द हमने कुछ जरूरी पढ़ा है। रिपीट कर रहा हूं, हाँ जीवा कल नहीं था क्या तू क्लास में? मेरा गलती नहीं है ना जीवा, पूछो पड़ोसियों से क्या होता है जीवा। आपको ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन लिए हुए हैं तो आप ऑनलाइन देखिए ना उस रिकॉर्डिंग को, आपको आता है तो 1.5 में देखो, 2 में देखो। हाँ जी आ गया आपका उत्तर। मैंने आपसे कहा भी था ये वाला कॉन्सेप्ट की बहुत जरूरी है, इस पर मैंने एक प्रश्न आपसे सिंपल वाला भी पूछा जहां हमारा उत्तर शायद 5 आ रहा था जहां तक मुझे याद। जीवा को हम कहते हैं कॉर्ड, जीवा को हम कहते हैं कॉर्ड। समीर तू भी गायब था कल, बुला रहे थे आप, आपने बुलाया? मान के रखिए कि ये वो जीवा हो सकती है। ड्राइंग आप देख लीजिए, अगर आपकी ऐसी ड्राइंग बन रही है तो मेरे को भरोसा है कि आपका उत्तर आ जाएगा। ये आपकी जीवा है मान लीजिए, ये कितनी है 14। आपकी त्रिज्या कितनी दे रखी है, रेडियस 9। हमने क्या पढ़ा था, केंद्र से जब भी हम इस पे लंबवत डालेंगे तो वो क्या होगा, इसको दो समान भागों में बांट देगा। अब यहाँ पे मैडम वो आपका लग गया, 14 वाला बटेगा है ना 7 और 7 में। ठीक है मैं बीच बीच में ऐसे थोड़ा परेशान करते रहूंगा। तो ये अब आप देखिए 9 है ये 7 है। आपसे क्या पूछ रहा है, केंद्र से यानी कि सेंटर से इस जीवा के बीच की दूरी क्या है, यही डिस्टेंस पूछ रहा है ना। निकाल सकते हैं आप, ये आपको एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा, इसमें आप देख लीजिए क्या डालेंगे, जितनी वो दूरी है डी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर बराबर 9 स्क्वायर यानी कि 81, ये आ गया आपका 49, ये आ गया डी स्क्वायर। 81 में से 49 को माइनस कर दीजिए कितना आएगा, 32। 32 बराबर डी स्क्वायर है तो डी कितना आएगा, वर्गमूल 32। 32 के अंदर 4 छुपा होगा ना, एक मतलब 16 छुपा हुआ है, ये 16 × 2 है ना, तो 16 का तो वर्गमूल आपको मालूम है बाहर आ जाएगा 4, अंदर बेचारा 2 रह गया, तो 4√2 अगर आपका आ रहा है तो आपका उत्तर सही। ठीक है ये वाली प्रॉपर्टी कराई हुई है यार, इसको मत भूलो, ये सारे पेपर में पूछे जाते हैं कि ये पेपर के प्रश्न है, आपके हॉस्टल ऑर्डर का नहीं है पर व्यापम की किताब से ही लिया हुआ प्रश्न। ये भी पढ़ाया था घर का बेदी, जहां मैडम आपने पूछा था इसी पी बिंदु को अगर मैंने बीच में रख दिया तो, याद आ रहा है ये वाला प्रॉपर्टी आपको? ठीक है चलिए आप देखिए, निम्न दिए गए चित्र से x की गणना करो। हिंदी में बहुत अटपटा भी लिखा रहता है कई कई बार। घर का बेदी ही बांट रहा है, किसको बांट रहा है, ए और बी को बांट रहा है, तो पी के हिसाब से ही हम देखेंगे कौन कौन बटा है, एपी बटा है यहाँ और पी बी बटा है यहाँ, तो इन दोनों की गणना किसके बराबर हुई, इन दोनों की आई CP × CD के बराबर, CP × CD के बराबर, क्योंकि पी किसको और बांट रहा है, इस घर में भी जाके लड़ाई करा रहा है CD में। ठीक है तो कैसे लड़ाई करा रहा है, PC और PD आपस में लड़ रहा है, इस तरीके की बात। तो 4 × 6 = 24 = 5 × x, 5 × dp। ठीक है तो 24/5 कितना होगा, ये तो 4.8 होना चाहिए, 4.8 होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है कल कल किया हुआ है। ठीक कितनों के पास नहीं है वो वाला मतलब पोर्टल, आप दोनों के पास ही नहीं है बस, किस खुशी में
तो कोई अलग चार्ज बहुत ज्यादा तो नहीं लग रहा था। ठीक है, बाकी आप लोग देख सकते हो उसमें स्पीड कर। क्षेत्रफल के भी प्रश्न लिए हुए थे, 2 मिनट का समय दीजिएगा। त्रिभुज की परिधि, परिधि मतलब वही होता है, पेरीमीटर को परिधि कहते हैं हम, 18 सेंटीमीटर है, उसकी भुजाओं का अनुपात 2, 3 और 4 है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा? ये आरआई का क्वेश्चन है, त्रिभुज की परिधि 18 सेंटीमीटर है। अच्छा, आप मेरे को एक छोटी सी बात बता सकते हो, ये त्रिभुज जो होगा भुजाओं के आधार पर किस तरीके का त्रिभुज होगा? समबाहु, विषम बाहु की समद्विबाहु? विषम बाहु, क्योंकि तीनों भुजाएं ही अलग है, तो विषम बाहु हो गया ना 2, 3, 4 के अनुपात में। बच्चा कई बार सोचता है हम कैसे बताएंगे, भुजाएं तीनों अलग है, तीनों का मान अलग है, तो विषम बाहु हो गई। वेरी गुड है। क्या कितना है इधर कोई आंसर? डी। इतना हंसके क्यों बता रही हो? डी आपका तो आना ही आना है, डी। चलो और किसी का कुछ? अभी हम कुछ देर पहले ही चर्चा नहीं कर रहे थे, किसी भी तरीके का हो त्रिभुज हमको लगाना क्या है, यही सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे वन पे लिखा हुआ था इसे, ठीक है, तो इस पे ही प्रश्न आपसे पूछ लिया गया। अटक जा भाई, अगर 2:3:4 में ये दिए हुए हैं इनकी भुजाएं, तो ये ऑफ कोर्स एक ऐसा ही आपका विषम बाहु सा त्रिभुज है। ठीक है, अब आप देखिए ये कितना हुआ, 2x 3x और 4x। ठीक, 2x 3x, ये बनाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं आपकी क्लैरिटी के लिए बना रहा हूं बस। आप देखिए, आप इनका क्या दिया हुआ था, परिधि यानी कि इनका आपको पेरीमीटर दे रखा है, कितना होता है, इन सारी भुजाओं को जब आप जोड़ देंगे तो कितने के बराबर है, 18 के बराबर। अब ये कितने हुए, 4, 3, 2, 9 आ रहा है, 9x = 18। तो मैडम x कितना हुआ, 2। ये वाली भुजा 4 सेंटीमीटर रही होगी, ये वाली 6 और ये वाली 8। ठीक है, अब आप मुझे बताइए वह क्षेत्रफल का कॉन्सेप्ट क्या, √(s)(s-a)(s-b)(s-c). अब मेरे को बताओ S क्या है, 18 की 9? अरे वही गलती हुई ना आप लोग से, मैं लिखा रहा हूँ, आप लोग लिखना ही नहीं चाह रहे हो, तो मैं कितनी मदद करूंगा बताओ आप। ये लिखा मैंने तो लिखा है, वो आप लोग लिख रहे हो कि नहीं वो मैं आप पे छोड़ रहा हूँ। अब जो चीज आती है आप सोचो आपको कितना दुख होगा कि यार ये पढ़ा हुआ चीज है फिर भी हम गलत कैसे कर रहे हैं। फिर कई बार आके छात्र क्या बोलते हैं, सर ऑप्शन नहीं है ना मनीषा मैम, हम तो सही बना रहे हैं, ऑप्शन ही नहीं है। ठीक है, ये बराबर क्या आया, 9 × 9 - 4
तो 9 माइनस 4 मैं नहीं लिख रहा हूँ, सीधा 5 लिख रहा हूँ, 9 माइनस 6 3 लिख रहा हूँ सीधा, 9 माइनस 8 1, 9 तो बाहर आ जाएगा 3 की तरह, क्योंकि वर्गमूल के अंदर 9 है तो एक 3 आ जाएगा, अंदर बेचारा ये 5 और 3 अटके रहेंगे 15 की तरह, तो आपका क्षेत्रफल 3√15 सही है, वेरी गुड। ये सब अपलोड हो जाएगा उसमें, आप देख लीजिएगा आराम से। अभी फटाफट कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं, ठीक आइए। चलिए ये भी कल चीज हमने पढ़ी थी, यदि कोण ए 60 के बराबर है, बहुत ही इसने लापरवाही से लिखा है, इस कोण की चर्चा कर रहा है, वो 60 के बराबर है, तब एंगल बी सी एस आपसे यह पूछ रहा है, ये छोटा सा बच्चा जो है उसकी चर्चा कर रहा है। ये बन गया, कहां से बनाई थी ये? ये तो आपके सीजी व्यापम का क्वेश्चन ही नहीं है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है आप ऐसे करके बता दो। वेरी गुड, आ गया। क्या हो गया सर भी मैम, परेशान हो? ठीक है, सही। अब अगर ये 60 है, हमने क्या पढ़ा था, इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है? ये बीसी, बीसी ही जाके ये 60 का निर्माण कर रहा है। तो जब ये आपके परिधि पे करेगा तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि जब यहाँ पे ये सेंटर पे करेगा यानी कि केंद्र पे करेगा तो परिधि की तुलना में दो गुना करेगा, ये 120 हो गया। अब यहाँ पे बच्चा पूरा दिमाग लगा रहा है पर उसका उत्तर फिर भी नहीं आता, क्यों? क्योंकि वो ये समझ ही नहीं पा रहा है कि ये और ये रेडियस है कि नहीं है, ये केंद्र है, केंद्र से परिधि का कोई भी आप बिंदु जोड़ेंगे रेडियस ही रहेगी, ये भी रेडियस है। तो अपने में ही जो ये त्रिभुज बन रहा है जहां पे ये भुजा और ये भुजा सेम है, तो क्या स्वमद्विबाहु हुई कि नहीं हुई? तो दो भुजाएं सेम है तो दो कोण भी तो बराबर होंगे। ये अगर 120 है, ये मुझे नहीं मालूम थीटा है, ये भी थीटा हुआ, तो 120 प्लस थीटा बराबर 180, क्योंकि है तो त्रिभुज। अब कोई त्रिभुज क्यों ना हो दुनिया का, उसके अंदर के कोण कितने होंगे? 180। तो 2 थीटा बराबर 120 उधर ले जाइए, तो 120 गया 60, थीटा बराबर 30। इतना आसान प्रश्न था। हम क्यों नहीं समझ पाते फिर कि यहाँ पे ये रेडियस है? कल भी एक प्रश्न मैंने आपको कहा था, कभी भी आपको केंद्र जुड़ते हुए दिख जाए किसी भी परिधि के पॉइंट से, तो आपको बेझिझक मारना है वहां रेडियस। इसको मैं नहीं कहूंगा रेडियस ना, पर इसको अभी मैं रेडियस नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये केंद्र के बिंदु से नहीं जुड़ रही, ये ऐसे जुड़ जाती तो मैं अवश्य ही कहता इसे भी। ठीक है, बराबर है बात की? डाउट मैडम, रेडियस क्या होती है? अरे मैडम आप कहाँ से इतना डाउट लेके आती हूँ? मेरे को एक बात बताओ, ये अगर मैं बना रहा हूं, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ कि इसे मैं रेडियस कहता, परंतु ये नहीं बनी हुई है तो मैं रेडियस नहीं कह रहा। मैं बता रहा हूं अगर इस बिंदु से इसको जोड़ते, ये परिधि का बिंदु है कि नहीं है, तो इसको जोड़ते तो ये रेडियस कहलाती कि नहीं कहलाती? वही कह रहा हूं मैं, और तो कुछ कह ही नहीं रहा हूं। इसको आप किस हिसाब से रेडियस कहोगे? रेडियस कह सकते हो? नहीं कह सकते, वही तो कह रहा हूं मैं, कुछ और भावक वो बात तो करा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, ये मैं बना रहा हूं कि एक और आपको ऐसी भी चीज दिख सकती है अगर किसी के मन में डाउट आए कि सर यही दोनों क्यों जुड़ी हुई है। ये तीसरा भाई आ गया आपका, ये आसान प्रश्न है, ये सारे बनने चाहिए मैम। दो बार इस तरीके का प्रश्न पूछा है, अभी हमने किया है जीवा वाला प्रश्न, ये उसी के आधार पर एक और बार पूछा हुआ है, बनाइए इसको फटाफट। ये आपको दे रखा है,
पांच, ए बी आपको दे रखा है, ये पूरा, ये ए है, ये बी, ये सी है, ये डी, ए बी आपको आठ दे रखा है, ओडी आपको ठीक, तो सी डी बराबर होगा ठीक, बढ़िया, डिसेंट क्वेश्चन है। डिसेंट कैसे कहते हैं हम, डिसेंट ये बड़ा बना के दूं, ए आपको दे रखा है पांच, ये सी था, ये डी था, और ये बता रखा है कि ये जो ओडी रेखा है लंबवत है, यानी कि यहाँ पे 90 डिग्री बना रही है, ओडी जो है लंबवत है, परपेंडिकुलर है। और एक और चीज दे रखी है एबी, एबी कितनी दे रखी थी, आठ, हाँ बस दिया हुआ है, सारा कुछ दिया हुआ है। अब आसान है प्रश्न बहुत, आपसे पूछ रहा है सी डी कितना होगा, सी डी यानी कि ये नीचे वाला हिस्सा बेचारा कितना होगा, किसी का भी आया, आ गया, अरे कितना है आपका मैडम, थ्री, फाइव आ रहा है, नहीं मैं नीचे वाला हिस्सा बोल रहा हूँ दोस्त, मैं सिर्फ ये नीला हिस्सा बोल रहा हूँ, नहीं बहुत गलत आंसर, कैसे है इतना कि मैं गलत निकाल रहा हूँ, चेक कर दे। चलो मेरे को बस ये बताओ, मैंने जो ये चित्र बनाया वहां पे कितनी त्रिज्याएं दिख रही हैं आपको, मैं बहुत आसान चीज पूछ रहा हूँ, एक की दो, फिर वो हमारी नाकामी है कि हम एक देख रहे हैं, एक तो बच्चे को तुरंत ये देखनी चाहिए, ये भी तो है त्रिज्या, आप त्रिज्या नहीं पकड़ पा रहे हो मैडम, तो एक क्यों बोली थी, हाँ ये एक बना, ये दो बन गया ना मैडम, इस पूरे को, तो आप एक क्यों बोल रहे थे, अच्छा वो मैडम शायद, चलो अब यहाँ पे देखो किसका आंसर क्या है, आपका पांच आ रहा है दोस्त, ये पूरी दूरी पांच होगी ना, ये पूरी दूरी पांच है, क्योंकि वो क्या है त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है, अब वो अलग से लिखेगा नहीं, पर वो तो हमको खुद ब खुद समझना है, ये पांच है, ये पूरा आठ है, लंबवत बना है केंद्र से, तो इसको दो भागों में तोड़ा होगा, आठ को चार और चार में, ये पांच चार, ये कितना आएगा तीन, इस पूरे पांच किलोमीटर में ये तीन किलोमीटर है, तो ये कितना हुआ, है नहीं है ऑप्शन नहीं है सर, नहीं उनको मैं छेड़ रहा हूं, आपको देखो लुभाने के लिए हमेशा तीन सेंटीमीटर दिया रहेगा, क्योंकि बच्चा बोलता है पांच चार तीन, साले को हमको परेशान करेंगे बोल रहा है, वहां पे रहता है हमेशा आंसर, ठीक है, तो आप ध्यान दीजिएगा, ये छोटी छोटी बात होगा, एक सेकेंड, एक सेकेंड, ये वाला, ये भी आपके पेपर का ही है 2016 का है, एक आयत जिसकी लंबाई 35 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 28 थी, दिए गए चित्र के अनुसार आयत की दोनों भुजाओं से अर्धवृत्त काट के निकाल दिए गए हैं, तो रेखांकित भाग का क्षेत्रफल होगा, यह आप लोग के पेपर का ही प्रश्न है।
पाई का मान 22/7। ठीक है, वो हमेशा ख्याल रखता है कि वो ध्यान दे कि वो वैसी ही वैल्यू देता है जो सब कटपट के अच्छी ही दिखे। हो गया, कौन सा ऑप्शन आ रहा है? बी। आपकी सहेली का नहीं आ रहा है? आपका भी आना चाहिए दोस्त, कोई बात नहीं। हाँ हाँ, ये निकालना ना हमें, जहां पे रेखांकित है पूरी, जहां पे लाइनें आना चाहिए, आना चाहिए। ये बहुत आसान प्रश्न। आपने निकाला कैसे? एक ही, चलो मैं पूछूंगा आपसे निकाल लाते समय कहां तक पहुंचा है कोई भी, आप बताइएगा। मैम आपका कितना है? हाँ एरिया ही निकालना है मैम। इसका निकल गया आयत का, और इसका त्रिज्या क्या बनेगी इसकी? ये तो आपका वो है ना, ये एक क्या है, अर्धवृत्त है, लिखा हुआ है अर्धवृत्त है, तो इसकी त्रिज्या क्या बनेगी? 14 बनेगी। तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पूरा मुद्दा क्या है पहले तो आप ये समझिए, फिर मैं आपको एक मिनट और दे रहा हूं सबको। ये पूरी बड़ी गार्डन बगीचा रही होगी, इसमें बंटवारा ही तो हुआ है भाइयों के बीच में, और क्या हुआ है? ये इतना हिस्सा लेके चल दिया, ये इतना हिस्सा लेके चल दिया, अब आप बेचारे बच गए इतने हिस्से के साथ। तो आप देखो ना आपके भाइयों ने आपके साथ क्या किया है, ये इतना लेके चला गया, ये इतना लेके चला गया। अब ये आप गिन सकते हो, अर्धवृत्त का तो आपको क्षेत्रफल लिखाया हुआ है, आ गया ऑप्शन बी। ऑप्शन बी ही होना चाहिए, बहुत ईजी क्वेश्चन। नहीं, वो छोटी छोटी जगह पे ध्यान देना, ये प्रीवियस ईयर है, और प्रीवियस ईयर तो आप सभी के एकदम होने चाहिए 20 में से 20। बन गया, कैलकुलेशन ऐसी है ही नहीं इसमें, पता नहीं कहाँ आप कैलकुलेशन फंसा रहे हो। 14 तो बहुत अच्छा नंबर है 7 से कटने वाला। क्या हुआ, टेंशन में क्यों है समीर? आ गए फिर, तू खुश क्यों नहीं होता है? आप इतना मेन मुद्दा सब समझ गए कि बड़ी वाली बगीचे में से दो छोटे छोटे बगीचे हमें काटने हैं। ठीक है, अब आप निकालिए यहाँ पे क्या आ रहा है। अच्छा वहां जगह है तो वहीं निकाल लेते हैं। बड़े वाले बगीचे का मान कितना है? 35 × 28 लंबाई चौड़ाई गुणा, ठीक है क्योंकि वो आयत है, 35 × 28। ये क्या हुआ बड़े बगीचे का? ठीक है,
इसमें से हमें अब माइनस करना है, क्या माइनस करना है, दो अर्धवृत्त माइनस करने, दो अर्धवृत्त है ना, दो अर्धवृत्त एक पूरा वृत्त बनाएंगे कि नहीं, तो सीधा एक वृत्त ही लिख दो या दो अर्धवृत्त लिखो वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, मैं तो एक वृत्त के हिसाब से कर रहा हूं, क्यों, क्योंकि आपकी सोच अब यहां तक होनी चाहिए कि ये और इसका जोड़ीदार वो है, तो दो अर्धवृत्त एक वृत्त बनाते हैं, आप लिखना चाहेंगे तो फिर यहां तो आप ऐसे लिखेंगे दो इंटू अर्धवृत्त, ठीक है, या आप लिखेंगे एक इंटू वृत्त, वो बात एक बराबर है, आप दोनों लिख सकते हैं, दोनों से उत्तर वही आए, ठीक है। अब वृत्त की कितनी आएगी यहां पे, एरिया पाई आर स्क्वायर, यही आई, आर आपका कितना हो गया, अगर ये पूरा देखिए 14, ये 28 है, तो ये आपको पता है कि अर्धवृत्त जो बनता है वह कहां बनता है, आपके व्यास के कारण बनता है, और ये पूरी चीज क्या होती है, व्यास होती है, ठीक है, तो अगर ये पूरा 28 है तो ये 14 और ये 14 रहा होगा, ठीक है। तो अब आप देखिए पाई का मान आपको दे रखा था 22/7, आर स्क्वायर यानी कि 14 × 14, एक तो कट जाएगा आसानी से, दो तो 14 × 2 कितना होता मैडम, 28, 14 × 2 कितना हुआ, 28, तो ये बहुत आसान हो गया, यहाँ पे क्या करना है हमें, बहुत सिंपल है, 22 × 28 है, और यहाँ पे क्या है 35 × 28, देखिए मैंने तो ये वाली कैलकुलेशन भी नहीं की थी, अगर आप ये कर रहे हैं कि 35 × 28 गिन लेता हूँ फिर 22 × 28 ही गुणा करता हूँ फिर दोनों का अंतर लूंगा, तो हम पेपर में पीछे छूटेंगे, अवश्य छूटेंगे, आपको दिख रहा है कि 28 यहाँ पे भी है, 28 यहाँ पे भी है, बाहर निकाल दो साले को, 35 में से 22 गया कितना बचा, 13, अभी भी मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, अगर आपको लग रहा है मैं कैलकुलेशन कर रहा हूँ तो मैं कभी नहीं करता, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ, 8 × 3 = 4 देगी और एक ही ऑप्शन में, ठीक है, आप निकाल सकते हो 28 × 10 से कितनी होगी, 280, 28 × 3 कितने होते हैं 84, 280 और 84 364 बनाएंगे, पर वो आपको अपने उस पे प्रैक्टिस पे भरोसा रहना चाहिए कि जो आप निकाल रहे हो वो बिल्कुल सटीक बैठेगा, फिर क्यों समय जाया करेंगे हम, स्पष्ट है कि डाउट है, समीर यही आया था आपका भी, मैडम को बता देना, आप लोग का भी है, ठीक है, कैलकुलेशन कम करने की कोशिश करिए, क्योंकि यही निकालना बहुत इरिटेट वाला काम है ना, ठीक है, यहाँ पे शब्द वैसे यूज नहीं कर सकते बट ये निकालना भी बहुत इरिटेट है, तो आपको ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करनी, आखिर तक लेके आइए फिर जो कटपट होगी वो देखेंगे, क्योंकि पेपर में कभी भी बहुत ज्यादा कैलकुलेशन पूछी नहीं जाती है अमूमन, ठीक है, एक आध प्रश्न और करते हैं, इसका बता सकते हैं कि उत्तर फटाफट, नीचे दिए गए चित्र में बी और सी जो है यानी कि ये दोनों वो 2:3 में, ठीक, तो B प्लस सी का जोड़, ये तो बहुत आसान प्रश्न है, आ गया, ये बहुत आसान था ना ये वाला, इसको इतना बताना ही नहीं था 2:3, ये सीधा भी पूछता तो भी उत्तर बहुत सटीक था, आप देखिए कैसे, ये बीडी 130, देखिए इसकी ना एक प्रॉपर्टी भी होती है कि कभी भी दो अंदर के कोणों का योग बाहर के एक कोण के बराबर रहता है, ठीक है, यानी कि इन दोनों से जो विपरीत एक कोण बचा उसका जो बाह कोण होगा उसके बराबर होता है, मूल धारणा क्या है इसके पीछे, कहीं ना कहीं ये एक सीधी रेखा के बिंदु पे बना है तो ये कुल कोण 180 है, जिसमें से ये 130 हो रखा है तो ये कितना होगा 50, अब धारणा वही बनती है, इसीलिए डायरेक्ट वो कॉन्सेप्ट लिखाया जाता है, मैंने वो आपको नहीं लिखाया, मैं चाह रहा हूँ आप खुद ब खुद समझे उस बात को, कि ये अगर 50 है तो कहीं ना कहीं 50 प्लस बी प्लस सी कितना होना चाहिए 180, क्योंकि है तो त्रिभुज ही, तो बी प्लस सी कितना होगा 180 माइनस 50,
और 180 माइनस 50 क्या होगा, ये बाहा का ही कोण होता है, तो हमेशा ऐसे आपको दिखेगा ही दिखेगा। ठीक बात है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। एक आध और करेंगे, ये भी कल मैंने आपको बताया था, ये वाला जहां मैंने एक ही पन्ने पे दो तीन ड्राइंग बनाई थी, मैंने बोला था भेदी बाहर भी हो सकता है, भेदी अंदर भी हो सकता है। आपको टीपी का ही मान निकालना है, बहुत आसान है। तो 16-12 ठीक, तो ये पूरी अगर 16 किलोमीटर है तो एक तो ये 16 आ गई, ये कितनी हुई 4, तो 16 4 64 बराबर टीपी का वर्ग, तो टीपी बराबर 8 64 का वर्गमूल 8। वेरी गुड, ये कल पढ़े हैं उनको बोल रहा हूँ। अच्छा आ गया था, चलिए वेरी गुड। चलिए ये वाला करने की कोशिश करिए। ऐसा ही प्रश्न मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, समचतुर्भुज का भी आ सकता है और आयत का भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। ये वाला निकालिए, आयत का आने के ज्यादा चांस है, वो भी आप लिख लीजिएगा, उसको होमवर्क कर लीजिएगा। ये वाला ट्राई करिए एक बार। यदि एक आयत के विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है और आयत का परिमाप 46 सेंटीमीटर है तो उस आयत का क्षेत्रफल होगा। आ गया, क्या आ रहा है मैडम ऑप्शन आपका? बी। वेरी गुड, मानसी चाय बनाओगी तो मेरे को भी देना ना। वहां पे क्लास चल रहा है कि खत्म हो गया? खत्म हो गया। तो छात्र बैठे कितने? हाँ। बैठे बस दो लड़कियां बैठी हैं। हाँ।
वो आया क्या सचिन? यस सर। अच्छा है, अच्छी बात है। बट काम करो ना, मेरा वो नीचे लैपटॉप पड़ा होगा टेबल में, हाल ही आना। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ये बात ठीक है अभी तक? किसी किसी आपका आ गया क्या मैम? चलो कोई बात। और आपकी सहेली का? दोनों तरह सहेलियों के नहीं आए, इसे ही विकर्ण कहते हैं। मैंने आपको बताया विकर्ण कब मिलता है, जब आपके अक्रमागत शीर्ष मिलते हैं तब। ठीक, तो ये आपको विकर्ण दिख रहा है और इसकी लंबाई कितनी दे रखी है, मतलब इसका मान माफ करिएगा 17 दे रखा। ये एल है, ये बी है। आप सभी को पता है आयत के अंदर ये 90 बनता है, तो क्या ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा है छोटा सा समकोण वाला? इसमें क्या होगा, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 17 स्क्वायर। यहां तक बात ठीक है? चेक करते जाइएगा। और आपको एक और चीज दे रखी थी, परिमाप। और परिमाप क्या होगा, दो बार एल दो बार बी, तो 2 times L + B = 46। तो एल प्लस बी बराबर 23। ठीक है, एल प्लस बी बराबर 23। आप दोनों तरफ वर्क कर दीजिए, दोनों तरफ वर्क कर दीजिए। तो 23 का वर्ग 529, 529 होता नहीं, ये सब रटे रटाए रहने चाहिए 30 तक, तो 529। अंदर क्या आ गया, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 times LB। एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे रखा है क्या, 17 स्क्वायर, 17 स्क्वायर 289, 289। L into B ही एरिया होती है ना, तो 2L भी लिखा है तो 2 एरिया लिख दूं। अब तो हर जन का आ जाना चाहिए, 529 में से 289 गया, कितना बचेगा, 240, 240 बराबर 2A, तो A बराबर 120। ठीक है, ये वाला कहां फंस गए थे आप? शुक्रिया। ठीक है, अभी ये वाला इक्वेशन बन गया था, कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन बन रहा है तो भी अच्छा है, पर आप लोग को प्रैक्टिस करना है। अब एक आप प्रश्न होमवर्क के लिए लेके जाइएगा ये, ठीक है। और आपको सम चतुर्भुज पता रहना चाहिए कि उसकी प्रॉपर्टी क्या है, वो मैंने पढ़ा रखी है। मैं एक बार छोटी सी आपको बात बस बता देता हूँ, इन सब में चारों भुजाएं सेम होती है, ठीक है, इन दोनों के विकर्ण की लंबाई अलग अलग होती है, ठीक है, यानी कि एक D1 है तो दूसरा D2 होगा, परंतु ये एक दूसरे को काटते 90 पे हैं और वो क्या करते हैं, प्रतिच्छेद नहीं, मतलब इक्वल हिस्सों में बांटते हैं, ये इसके जितना होगा ये इसके जितना होगा। अब इसी के आधार पर आप निकालने की कोशिश करिएगा, इतनी जानकारी बहुत ज्यादा जानकारी है इस प्रश्न के लिए। ये होमवर्क है आपका।